बाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं सबके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अभी अंबिकापुर की एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की, आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की, तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके, इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसके अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी चल रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में जो 100 मीटर की दौड़ है, कुश्ती है और लंबी कूद है, इन खेलों में 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कही थी, तो अभी नए जिले जितने खुले हैं उसमें एक जिला बच गया बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी पोस्ट ग्रेजुएट सभी जिलों में खोला जाएगा, ये मैंने घोषणा की है। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से पिछले साल हमने इस सरगुजा सामरी से हमने शुरुआत की थी, और उसी समय लगा था युवाओं से मुझे अलग से बात करनी चाहिए, तो 23 जुलाई से हमने शुरू किया, पांचों संभागों के युवाओं से भेंट मुलाकात हम लोगों ने की है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई, और युवाओं के लिए हमने अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। जैसे अभी खेलकूद की बात है, उसी प्रकार से आपको जानकारी दूं कि पूरे प्रदेश में 33 नए महाविद्यालय खोले गए, खासकर दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, सर्वाधिक इन्हीं संभाग में महाविद्यालय खोले गए, 2 विश्वविद्यालय खोले गए, और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज 4 हमने इन 5 वर्षों में खोले, और 4 की स्वीकृति मतलब 8 मेडिकल कॉलेज अब हमारे छत्तीसगढ़ में और खुलेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभी भाषण में बात कही कि महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा 12वीं के बाद बच्चों के पास रोजगार होना चाहिए, और पूरे देश में हमने एक नवाचार किया छत्तीसगढ़ में, जो 10वीं पास करेंगे तो 11वीं और 12वीं में, उसी के साथ 11वीं में आईटीआई भी प्रशिक्षण हम देंगे, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होगा, और 12वीं पास करते करते उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक 12वीं का और दूसरे आईटीआई का। तो इसमें ये दूसरा साल है, हमने अभी सर्टिफिकेट बांटा, और इसको भारत सरकार भी अपनाना चाहती है, ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। उसी प्रकार से प्रदेश के 36 जो आईटीआई है उसको
हम लोग उन्नयन करने के लिए अभी टाटा से एमयू हम लोग किए हैं और उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि हम खर्च करेंगे ताकि नया जो पुराने जो ट्रेड है उसके साथ साथ नए ट्रेड जो आज दुनिया में जिसकी डिमांड है, देश में जिसकी डिमांड है, वो सारे ट्रेड हम उसमें खोलेंगे ताकि 10,000 लोगों को उससे जॉब मिलेगा। आप लोगों ने देखा अभी 41,000 पदों की भर्ती हो रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कई कई सब्जेक्ट में आवेदन करते हैं और जो फीस है व्यापम की और पीएससी की वो बहुत अधिक होता था, तो फिर सोचते थे कि मैं इसमें परीक्षा दिला देता हूं, इस पद में परीक्षा नहीं दिलाता। लेकिन जब से हमने निर्णय लिया है पीएससी और व्यापम के परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा तो लाखों बच्चे इसमें भाग लिए और बच्चों के 32 करोड़ रुपए कम से कम बच गए। बहुत सारे और भी हम लोगों ने काम किया है, बताऊंगा तो लंबा होगा, लेकिन अभी रोजगार की बात सब साथियों ने कही। जो कृषि घाटे का धंधा था उसको लाभ का धंधा हमने कर दिया, गौ पालन जो घाटे का धंधा था वो लाभ का धंधा कर दिया, लघु उपज उसकी कीमत तय कर दी। अब हम लोगों ने रीपा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने शुरू की 300, और उसी प्रकार से अब शहरों में भी शहरी इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरू करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार से कोशिश हमारी यही है कि हर नौजवान के सपनों को हम लोग उड़ान दें, उनको आसमान दें, उनको अवसर दें। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अवसर की कमी थी और अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि यही नौजवान जो साथी हमारे हैं वो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, देश का भविष्य है, और इसके सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर रही है और इसीलिए हमने सुझाव भी मांगे हैं। मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए अब भेंट मुलाकात से सवाल जवाब से शुरू करते हैं। किधर से शुरू करें? कोरिया से? कोरिया से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो भाई, कोरिया जिला से। पाँव पर रहो काका, खुश रहो। अरे सामने सट जाओ यार, ओ जवान हो। हाँ बताओ भाई। मोर नाम आकाश सिंह है, मैं यहाँ शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया में पढ़ाई करता हूँ। काका हमारे जिला के ने बहुत सही से विद्यार्थी है जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है और उमन हाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उमन बाहर दूसर जिला में दूसर शहर में रहकर पढ़ाई नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ काका कि हमारे जिला मुख्यालय में एक थे प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवा देते हो और साथ ही साथ हमें एक स्मार्ट लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा देते हो काका, तो बने होती काका। अभी मैं कहा के हैं तो हर ब्लॉक में कोचिंग क्लास वही जिन राष्ट्रीय स्तर पर जिन मान्यता प्राप्त है जबका भी हमारे कोचिंग सेंटर है ओकर ऑनलाइन क्लास रही और बोला चाहे घर में कर चाहे ब्लॉक मुख्यालय में जिन हाल रही वो में बैठ के कर, वो निशुल्क हुई, हम पैसा नहीं लगे। अभी नोनी का आदमी फीस थोड़ा कम कर देते ताकि राज्य सरकार ऊपर भार मत पड़े, कोई भार की चिंता नहीं है, जबका फीस वही सरकार भरी और तुम मतलब निःशुल्क कोचिंग मिली ऑनलाइन। धन्यवाद काका, लेकिन वो साथ साथ में डिजिटल लाइब्रेरी होती तो बने रहती सामान बनवा है, डिजिटल लाइब्रेरी स्मार्ट लाइब्रेरी। अच्छा हाँ, कंप्यूटर का भी ज्ञान रहती तो बने रहती ना हमन बनवा। ठीक है, तोर जिला नहीं है? तोर जिला नहीं है? नहीं है हमन बना। अच्छा हाँ, और कहा है कि डीसी कलेक्टर साहब ध्यान रखो भाई, ई लाइब्रेरी खोलना है। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ठीक, नोट कर लो भाई, ऐसा नहीं कि हाँ चलो धन्यवाद। और कोई दूसरी बच्ची आ रही है? जय जोहार काका। जय जोहार, तो पाँव पड़ा तो काका, खुश रहो। कते करो तू? मोर नाम यशोदा राजवाड़े है, कोरिया जिला से। हाँ, पीला रंग के सूट पहने इसका? हाँ काका। हाँ बता। मैं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय
बीकॉम तृतीय वर्ष का लड़का हो काका। हाँ। हमार जिला के बेटी मन का तरफ ले बहुत बहुत धन्यवाद काका। धन्यवाद। काहे कि हमार गर्ल्स कॉलेज बैकुंठपुर में तो सौगात ले 5 विजय में पीजी खुल गई सबे काका। अच्छा। हमन बहुत खुश हैं काका। खूब बधाई खूब शुभकामना। काका हमार जिला के बेटी मन का एक छोटा किन मांग रही काका। हाँ बता। काका हमार जिला के कॉलेज में पढ़ोया बेटी मन का एगो कन्या छात्रावास बनवा देते तो बड़ सुधार होती काका। ओहो कैसी तर जेमा सबो वर्ग के बेटी मन रह के अपन पढ़ाई ला पूरा करती काका। कन्या छात्रावास की मांग है भाई, अगले बजट में पक्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, खूब बधाई। जय जोहार काका। जय जोहार, कते करे जी? मैं पिंकेश कुमार सास के पॉलिटेक्निक कोरिया का छात्र हूँ काका। जी। मोर एक मांग रही काका। जी बताओ। जैसे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम शासन की ओर से आयोजित की जाती है। हाँ। लेकिन तकनीकी शिक्षा की युवाओं के लिए एक मंच नहीं मिल पाता है जिसमें वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सके। तो तोर से मोर आग्रह रही काका कि हमके वो मंच ले देते जेमें हमन तकनीकी शिक्षा की युवा मन अपन प्रतिभा प्रदर्शित कर सकूं। बहुत बढ़िया, मैं देख इसमें देख रहा हूँ। बहुत अच्छा है, आप जो कह रहे हैं कि इसको आप जिला स्तर में चाहते हैं, संभाग स्तर में चाहते हैं कि प्रदेश स्तर में चाहते हैं? जिला स्तर में चाहते हैं काका। अच्छा, जिला से भी प्रतियोगिता से भी संभाग और प्रदेश स्तर में जाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चित रूप से इसको अगले वर्ष से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, खूब बधाई। चलो मुख्यमंत्री जी आपको सादर प्रणाम। प्रणाम। सरगुजा की इस पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हाँ प्रणाम प्रणाम, बधाई शुभकामना। का नाम है? मैं राधा कुशवाहा, बलरामपुर जिले के शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफ नगर की छात्रा हूँ। वाह वाड्रफ नगर, क्या बात। श्रीमान हमारे जिले की स्थिति यह है कि बलरामपुर के लगभग सभी विकास खंडों में महाविद्यालय संचालित हैं। साथ ही हाल ही में आपके द्वारा रनहत एवं रघुनाथ नगर में नवीन महाविद्यालय का प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए हम बालिकाओं के लिए एक सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए मैं आपको सभी युवा साथियों की ओर से तहे दिल से खूब बधाई खूब शुभकामनाएं। श्रीमान मेरी एक छोटी सी मांग है जी। मैं भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे बलरामपुर जिले में शासकीय बीएड महाविद्यालय नहीं है। बीएड नहीं है? नहीं। अच्छा, अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे बलरामपुर जिले में शासकीय बीएड महाविद्यालय संचालित की जाए। बीएड कॉलेज जरूर खोलेंगे और न केवल। धन्यवाद काका। यहाँ कौन कौन से जिले में बीएड नहीं है तो सरगुजा संभाग के सभी जिलों में बीएड कॉलेज खोला जाएगा। साथ ही युवाओं के लिए इंजीनियरिंग एवं ला महाविद्यालय भी संचालित की जाए। मैंने तो आपकी मांग की घोषणा कर दी और सारे लोग बच्चे आप बलरामपुर के मांगे, मैं पूरे सरगुजा का कर दिया। धन्यवाद काका, खूब बधाई खूब शुभकामना। जय जोहार काका। जय जोहार। मोर नाम मेघनाथ यादव है, मैं शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर में पढ़ता हूँ। जी बताओ भाई। तोर यहाँ आए बर भेंट मुलाकात रखे बर और बलरामपुर जिला में दू गो शासकीय नवीन महाविद्यालय और संग संग कृषि महाविद्यालय उद्यानिकी महाविद्यालय खोले बर धन्यवाद काका। धन्यवाद। शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर जिला में है, यहाँ के दर्ज संख्या 1500 है और हम इनके बिल्डिंग है वो छोट कन है, जेकर चलते आधा विद्यार्थी क्लास के अंदर पढ़ते तो आधा क्लास के बाहर इंतजार करते, एकर निराकरण करे बर। अच्छा कक्षा के ठके एकर निराकरण करे बर मोर तोर से निवेदन रही। नहीं तो सुन तो यादव जी, 1500 छात्र छात्रा है बताया है ना, कक्षा के ठके जी
कमरा कैठक है, क्लासरूम कमरा 10-12 कम है काका, 10 है कि 12 है, 10-12 है, 12 बारी बारी पढ़े के पड़े काका। अच्छा तो और कमरे की जरूरत है? हाँ कमरा की जरूरत है काका। ठीक है कितने कमरे की? 10-15 करवा दो काका। कितने? अच्छा भाई 5 कमरा बनवा देंगे। ठीक है ठीक काका। हाँ 12x5=17 हो जाएगा ना? आज संग अरे बचा है? हाँ बचा है काका। हाँ और बचा संग गणित भौतिक अंग्रेजी राजनीति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के पीजी घोलो खुलवा देते तो तोर भतीजा भतीजिन मन बढ़िया पढ़ते लिखते तोर नाम लेता काका। ठीक है अगले सत्र से पीजी क्लास और खोल देंगे। हाँ काका ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा रुक मत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मांग लिया भाई वो धीरे धीरे करके। हाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमन जी। मैं राजीव दीन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामानुजगंज जिला बलरामपुर से सेकंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ जी। मान्यवर हमारे जिले में अनेक प्राकृतिक पर्यटन स्थल मौजूद है जी, जैसे तातापानी, पलटन घाट, गुरु सिंधु, औरा झरिया, पवई जलप्रपात और तो और प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा भी हमारे जिले में मौजूद है। बधाई। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन दर्शनीय स्थलों को प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित करें, जिससे जिले वासियों को टूरिस्ट गाइड के रूप में रोजगार मिले और जिले का विकास हो। बहुत सुंदर। और इसके लिए जरूरी है कि गाइड की ट्रेनिंग होनी चाहिए जी महोदय, और रहने की व्यवस्था होना चाहिए और गाड़ी होना चाहिए जी महोदय, है ना, और इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए जी सर। तो आपके जो सुझाव है बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे हम लोगों ने अभी हर जगह जितने भी हमारे जो बड़े झील हैं, तालाब हैं, पर्यटन स्थल है उसको विकसित करने का काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। एक बड़ा काम लिया है राम वनगमन पर्यटन प्रपथ, कोरिया जिले से शुरू होके कोंटा जिले तक के, सुकमा जिला तक के हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो बलरामपुर जिले में भी बहुत संभावनाएं हैं, प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है, तो इसको और ताता पानी के महोत्सव में तो हम लोग हर साल आते हैं जी, बृहस्पत मेरे लड़ लड़ के बुला लेते हैं वहां से और कई बार घोषणा कराते हैं। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि सभी क्षेत्र में हम लोग बढ़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जैसे कि बच्ची ने कहा ना केवल जंगल और